हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों आपने कमेंट में अभी तक कोई बताया तो नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता दूँ कि शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर भी कहते हैं। तो दोस्तों, फिर हमारा आज के लिए एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा जो कल आप आंसर देंगे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और ये किस अंग में पाई जाती है, इसका आपको जवाब देना है। और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में ज़्यादा समय करूँगा, उसका आपका जवाब देना है, कमेंट में देना है, नहीं तो मैं आपको कल इसका आंसर बताऊँगा ही बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन वो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे पढ़ करके हर लड़का जो है आर्मी में अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 301 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ आपका हो जाएगा यकृत। 302 में पूछा है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है, तो दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस PDA का पूरा नाम है दोस्तों, PDA का पूरा नाम है, PDA का पूरा नाम है परमानेंट डिजिटल एडाप्टर, प्रेजेंट डिजिटल एडाप्टर। तो PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल एडाप्टर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, पर्सनल डिजिटल एडाप्टर। पौधे में श्वसन क्रिया होती है, तो दोस्तों पौधे में श्वसन क्रिया किससे होती है, तो ये पत्तियों से होती है। 305 पूछा है कि H2+O सूत्र है, H2+O सूत्र किसका है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि H2 मतलब होता है जल, तो ये जल का सूत्र है। HCl होता है, तो HCl किस में होता है दोस्तों, तो HCl जो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, HCl जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन। 307 पूछा है, जल में अम्लता का मुख्य कारण है, तो दोस्तों जल में अम्लता का मुख्य कारण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 308 पूछा है, मानव में पानी की मात्रा होती है, तो दोस्तों मानव में पानी की मात्रा होती है 60%, तो आप याद रखिएगा 60% होती है मानव में पानी की मात्रा। 309 पूछा है, कीट से उत्पाद होता है, तो कीट से क्या उत्पाद होता है दोस्तों, तो रेशम उत्पाद होता है। समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो दोस्तों समुद्र में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो यहाँ नमक पाया जाता है। 311 पूछा है, तरल से ठोस में बदलना, तो दोस्तों तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो तरल से ठोस में बदलना दोस्तों हिमांक कहलाता है, क्योंकि बर्फ जो होता है जब पानी तरल होता है तो जमने के बाद ठोस बनता है, यानी कि जम जाता है। 312 पूछा है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सेल है, यानी कि कोशिका। 314 पूछा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होती है, जिसका मात्रा 78% होता है। वायुमंडल में परत होती है, तो वायुमंडल में कितनी परत होती है दोस्तों, तो 4 परत होती है, तो आप जानते हैं क्षोभ, समताप, आयन मंडल। 316 पूछा है, दूसरे जंतु खाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु जो है ये कर्निवोरस कहलाते हैं, कर्निवोरस। 317 पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ दाल में पाई जाती है। 318 किस ताप पर पानी भाप तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों किस ताप पर पानी भाप तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो 318 का आपको जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में। 319 पूछा है, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है, तो सिरके में दोस्तों सिट्रिक अम्ल के कारण प्रकृतिक होती है सिरके में, सॉरी फिर से एक बार दोस्तों, सिरके में
सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? तो सिरके में अम्ल की प्रकृति दोस्त होती है यहाँ एसिटिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। वेल एक है, वेल एक डैश है, तो वेल एक क्या है दोस्तों, स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें कौन सा मिश्रण का उदाहरण है, तो हवा जो है मिश्रण का उदाहरण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, हवा। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की डाउट या संदेह हो तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपको आंसर कमेंट में बताऊँगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम दोस्तों होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दमा शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो दमा जो है शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। पूछा है 324, किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है? तो किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है दोस्तों, तो यहाँ प्रोटॉन समान होते हैं। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप को हीरा कहते हैं। 326 दिया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। हाइड्रल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों हाइड्रल पावर स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पानी है। 328 देखिए, निम्न में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो निम्न में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है यह अल्प विकसित अंग है जिसका कोई भी काम शरीर में नहीं होता है। 329 पूछा है आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है? तो आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है टेलीस्कोप। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु है? तो थर्मामीटर में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो ये मरकरी यानी कि पारा जिसको कहते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कहीं कहीं 330 भी दिया रहता है दोस्तों, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर होगा 332। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो कौन है दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, और अम्ल जो है नीले को लाल करता है। याद रखिएगा यहाँ लाल लिटमस को नीला करता है क्षार और नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। याद रखिएगा दोनों यहाँ कन्फ्यूज, आप दूर कर लीजिएगा। 334 देखिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग दोस्तों सबसे अधिक जो होता है स्टील में होता है। शक्ति का मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट है। निम्न में सदिश राशि कौन से है? तो सदिश राशि यहाँ दोस्तों हम लोग का विस्थापन है, बाकी समय लंबाई और तापमान ये अदिश राशि है। बल का सही सूत्र है? तो बल का सही सूत्र एफ बराबर एम ए, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व है दोस्तों सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3। 340 पूछा है निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? तो इसमें से कौन सा रोग है दोस्तों जो जल जनित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा दमा जो है ये जल जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो इस इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा फैलती है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका विषाणु द्वारा फैलती है इन्फ्लुएंजा। 342 देखिए क्या पूछा है आपसे, ओजोन गैस का सूत्र है? तो दोस्तों ओजोन गैस का सूत्र है O3। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो दोस्तों जानते हैं कि 1/6 चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन होता है, तो 60 में 6 से भाग दीजिएगा तो आप हो जाएगा आपका 10 kg। हीरा विद्युत का है? तो हीरा विद्युत का क्या है दोस्तों, तो कुचालक है। रुधिर एक ऊतक है? तो रुधिर एक कौन सा ऊतक है दोस्तों, तो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है रुधिर। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बायोगैस में दोस्तों मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 347 देखिए क्या पूछा है, Cl 35 17 में न्यूट्रॉन की संख्या है? तो दोस्तों 35 में 17 घटा दीजिए तो आपका 18 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। एंजाइम डैश है? तो एंजाइम दोस्तों इसमें से कौन सा है, तो एंजाइम आपका प्रोटीन जो है या एंजाइम है।
यहाँ देख लीजिए लास्ट दो क्वेश्चन याद दूंगा। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो पानी में जो है डाला हुआ सिक्का ऊपर 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 उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पूछा है 350 निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक है, तो बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दोस्तों आपने यहाँ 301 क्वेश्चन से लेकर के 350 क्वेश्चन, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन आपने यहाँ याद कर लिए दोस्तों। यदि एक बार में याद नहीं हुआ दोस्तों, आप इसको दो बार में याद कर जाइए, लेकिन इसको आप 100% याद कर जाइए। और मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा आंसर आपको देना है पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब, तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है, घटता है बढ़ता है या क्या होता है, इनमें से आपको आंसर देना था। ये दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर देना है, नहीं तो मैं कल इसको बताऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।